अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्तफा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला अकाउंटेंसी। और आज का हमारा टॉपिक है स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय करते हैं IAS 16 में, तो इनिशियल रिकग्निशन पे डिफरेंट कॉस्ट इंकर्ड हो रही होती है। तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करें और कौन सी कॉस्ट को इमीडिएटली एक्सपेंस आउट कर दें। तो आप लोगों ने IAS 16 का वो क्राइटेरिया भी पढ़ा हुआ है कि हर वो खर्चा कि जिसके बगैर एसेट का वर्किंग कंडीशन में आना नामुमकिन हो, वो सब कैपिटलाइज हो जाएगा, राइट। तो इसी बीच में कॉस्ट लग रही होती है कई बार स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, यानी आपको आपने एक मशीन ली और आपके एम्प्लॉयज को वो यूज़ करना नहीं आती, ऑपरेट करना नहीं आती, तो आपने अपने स्टाफ को ट्रेन किया। तो आप सब ने पढ़ा है कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड कहता है कि इसको एक सेकंड में एक्सपेंस आउट कर दो, यानी इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट ना बनाओ, यानी इसको एसेट रिकॉर्ड ना करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टाफ कभी भी रिजाइन करके जा सकता है, और आप सब जानते हैं एसेट वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, एसेट वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे क्या हो, कंट्रोल में हो, और स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि हम स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देते हैं, उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन डियर ऑडियंस, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। दुनिया में कुछ जगहों पर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी होती है, और वो एक्सेप्शन बताना आज की वीडियो का मकसद है। फर्स्ट एक्सेप्शन, यूएस आर्मी जब एक पायलट को ट्रेन करती है ना, तो उस पर ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड करती है $1 million की। तो जब वो इतनी बड़ी ट्रेनिंग कॉस्ट लगाती है तो पागल तो नहीं है, तो वो बॉन्ड साइन कराती है। वो कहती है आप बॉन्ड साइन करें कि आपने एक बार ये ट्रेनिंग ले ली तो अगले 10 साल तक आप हमें छोड़ नहीं सकते, या अगर हमें छोड़ेंगे भी बाय एनी रीजन तो किसी और कमर्शियल एयरलाइन में काम नहीं कर सकते, बस चुपचाप घर बैठ जाना। इसका मतलब फॉर श्योर बात है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ही होगा। तो वो लोग अपनी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, वो लोग अपनी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यूके में एक कंपनी है, मुझे नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कंपनी है फॉर श्योर, बहुत सारी कंपनीज ये काम करती हैं कि आप यूके में से ट्रेनिंग जाए ना किसी कंपनी में, तो वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप या तो ACCA कर लें या ICAEW कर लें। तो वो कंपनी फिर आपकी ACCA और ICAEW की कंप्लीट ट्यूशन फीस प्लस एग्जामिनेशन फीस बेयर करती है, राइट। तो ऐसी सूरत हाल में वो कंपनी आपसे एक बॉन्ड भी साइन कराती है। जब इतनी अच्छी खासी ट्यूशन फीस और एग्जामिनेशन फीस बेयर करती है, तो बॉन्ड साइन कराती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स या 7 ईयर्स तक आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हम आप पे इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं। और यूके का कानून भी सख्त है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर है, तो वहाँ वो इन्फोर्सेबल भी होता है। तो ये कंपनीज भी अपनी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर लेती है। और थर्ड एग्जाम्पल रिसेंटली मुझे सुनने को मिली और बड़ी बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने NED यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। तो NED यूनिवर्सिटी में अगर आपको एज ए टीचर ज्वाइन करना है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आई थिंक मास्टर्स की है, ठीक। तो आपने एज अ मास्टर्स करके वहाँ ज्वाइन कर लिया एज ए टीचर, तो कई बार उनके पास स्कॉलरशिप्स आ रही होती है फॉरेन की, HEC की और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो कहते हैं कि हम अपने टीचर्स को PhD कराएं, लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं, वो PhD की जो टोटल फॉरेन यूनिवर्सिटी की कॉस्ट होती है उसमें से 80% समझ लें NED या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही होती है, और 20% वो टीचर बेयर कर रहा होता है। लेकिन उसके बदले वो क्या करते हैं, वो टीचर से कोलेटरल रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। वो टीचर से बोलते हैं कि आप अपने घर के पेपर्स या अपने कोई किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाएं, और साथ बॉन्ड भी साइन होता है कि कुछ सालों तक आपने सर्विस देनी है। तो यहाँ भी फॉर श्योर हो जाता है जब कोलेटरल गारंटी पड़ी है, कि इसका मतलब हमने जो ट्रेनिंग कॉस्ट लगाई है उसके बदले हमें कुछ सालों तक इकोनॉमिक बेनिफिट लाजमी मिलेगा। तो उसूलन उनको भी ये चीज़ कैपिटलाइज करनी चाहिए। तो डियर ऑडियंस, ये बात जहन में रखिएगा कि वैसे तो हम यूँ अमूमी तौर पर बोलते हैं कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर इस तरह की कोई एक्सेप्शन अप्लाई हो रही है तो फिर ये एसेट बन जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।